हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास गाइज यहाँ पे एक सेट रिपेयर के लिए आया हुआ है। और जैसा कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये Redmi का Note 10 Pro Max है गाइज। और इसके अंदर जो काफ़ी कुछ अलग ही प्रॉब्लम है इसके अंदर, सबसे पहले मैं प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इसकी प्रॉब्लम है कहाँ से वो मैं आगे बात करूँगा, ठीक है। इसमें कैमरा की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही सिस्टम UI नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला जो प्रॉब्लम आता है वो भी प्रॉब्लम इसके अंदर गाइज नहीं है, ठीक है। देखो, सेट यहाँ पे जो है हमारा वो चालू है। मैं आपको पहले एक बार दिखाता हूँ किस तरीके की प्रॉब्लम इस डिवाइस के ऊपर आ रही है गाइज, ठीक है फ्रेंड। देखो, यहाँ पे मैंने सेट को किया चालू, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख लेते हो गाइज। ये सब जो सेट है ना, इसके अंदर एक कॉमन सी प्रॉब्लम आती है CPU की, जैसा कि आपने हर वीडियो के अंदर देखा होगा, ठीक है। जो है वो कैमरा, फ्रंट कैमरा नॉट वर्किंग, या फिर ऑडियो का प्रॉब्लम हो, या तो फिर ये MIUI नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो नोट 10 के अंदर, प्रो मैक्स के अंदर, या और एनी वेज बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिसके अंदर बहुत ज़्यादातर अभी CPU की प्रॉब्लम आ रही है। ये वीडियो को शूट करते करते मुझे 1 मिनट से ऊपर हो चुका है और अभी तक ये सेट चालू नहीं हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। अगर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो ये जो Note 10 Pro Max की जो कहानी रही है गाइज अभी तक की, ठीक है, ये सब फोन आप देख लेना सीधे, अगर ये लेट से अगर ऑन हो रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा लेट से ऑन हो रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम 100% CPU की प्रॉब्लम है। देखो अभी तक यहाँ पे ये फर्स्ट लोगों पे, ये सेकंड लोगों नीचे पावर बाय एंड्रॉयड की प्रोसेस जो है वो अभी तक नहीं आई है, 1.5 मिनट से ऊपर की ये वीडियो जो है वो अभी तक शूट हो गई है, ठीक है। मैं आपको इसके अंदर की प्रॉब्लम बता देता हूँ, इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसके नीचे की जो पावर बाय एंड्रॉयड की प्रोसेस है वो चलती है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि डिस्प्ले ना हमारा ब्लू हो जाता है, कंप्लीटली सेट ऑन होता ही नहीं है, डिस्प्ले हमारा सिंपली यहाँ से ब्लू हो जाता है। देखो अभी 2 मिनट कंप्लीट होने वाला है और अभी तक ये फर्स्ट लोगों पे ही आके अटका हुआ है, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम, अगर आपको कॉमन सी प्रॉब्लम आपको दिखे, सेट ज़्यादा लेट से टाइम लगा रहा है, ज़्यादा अगर टाइम लगा रहा है सेट को ऑन होने में, तो ये प्रॉब्लम आपकी CPU से है। वैसे तो इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि ये सेकेंड लोगों पे आने के बाद डिस्प्ले ब्लू हो जाता है गाइस, ठीक है। देखो गाइस, ये डिस्प्ले ब्लू है, मैं एक बार यहाँ से लाइट को ऑफ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे सेकंड लोगो भी नहीं आया, ठीक है। देखो गाइस, डिस्प्ले ब्लू आ रही है, आपको दिख रहा होगा गाइस कि देखो ये डिस्प्ले ब्लू आ रही है, ये आप देख सकते हो, ये इसके अंदर कुछ ये नई प्रॉब्लम है, सेट कंप्लीटली ऑन नहीं हो पाता है, डिस्प्ले इसमें सेकंड लोगो भी नहीं आया, कई बार सेकंड लोगो आ भी जाता है, अभी देखो डिस्प्ले यहाँ पे ब्लू आ रही है, ठीक है। तो लेट से ऑन होना गाइज, ये जो इस तरीके की फोन्स है इनके अंदर प्रॉब्लम आती है CPU की। तो गाइज आज का ये वीडियो कंप्लीट, देखो आज के इस वीडियो के अंदर इसके हम CPU को रिवॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है जो डिस्प्ले ब्लू हो जा रही है, या फिर ये जो सेट लेट से ऑन हो रहा है, काफ़ी टाइम लगा रहा है सेट को ऑन होने में, क्या ये प्रॉब्लम वहाँ से फिक्स हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ठीक है फ्रेंड। तो चलो अभी हम यहाँ पे सिंपली मदरबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। मदरबोर्ड पे किसी ने कोई भी काम नहीं किया हुआ है, मदरबोर्ड कंप्लीटली फ्रेश तरीके से है यहाँ पे, मतलब कम्प्लीटली फ्रेश कंडीशन पे है। तो यहाँ से हम जो है वो कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ठीक है, फ्रेश है। तो अभी हल्का सा कट यहाँ पे हम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से CPU को बाहर निकालना है, तो यहाँ से हम हल्का कट यहाँ से ज़रूर कर लेंगे। तो चलो यहाँ से हम हल्का कट पहले कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर हो चुका है, और हल्का सा यहाँ पर और ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा, तो मैं कुछ इस तरीके से ये एरिया थोड़ा कवर कर लेता हूँ और ये केन को यहाँ से थोड़ा कट कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और सीधे इसकी CPU को निकालते हैं, देखते हैं रिवॉल्व करके कि प्रॉब्लम हमारा जो है वो कम्प्लीट ठीक हो पाता है या नहीं हो पाता है। मैंने आपको प्रॉब्लम बता ही दी है कि डिस्प्ले इसकी ब्लू हो जा रही है, ये मेनली इसकी प्रॉब्लम है, सेट जो है पूरी कम्प्लीट सेट ऑन नहीं हो पाता है, यही मेन इसके अंदर प्रॉपर दिक्कत है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ से जो है इसको जो है वो सब कुछ थोड़ा सा कट कर दिया, अभी हम इसकी CPU को बाहर करते हैं, इसके लिए चलते हैं सीधे माइक्रोस्कोप के ऊपर।
सिंपली फ्रेंड यहाँ पे जो है हमने इसका सीपीयू को गाइस रिवॉल्व कर दिया है। जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे आपने बिल्कुल लाइव देखा है गाइस, जो भी चीज़ें मैंने शूट करी है बिल्कुल लाइव करी है, ठीक है। और ये सीपीयू को गाइस हमने यहाँ से रिवॉल्व कर दिया, और यहाँ से मैंने गाइस हल्का सा कट कर दिया था केन को, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टूल्स जो है वो आईसी के अंदर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो गाइस आपको अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत लगता है तो उस चीज़ को क्लियर कर देना गाइस, ठीक है, क्योंकि काम खराब होना नहीं चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो चलो यहाँ पे मैंने आईसी को रिवॉल्व कर दिया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन वगैरह भी कुछ भी नहीं किया है। तो चलो पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ टिश्यू पेपर के वैसे थोड़ा सा यहाँ पे आईसी को साफ कर लेते। उसके बाद गाइज हम जो है एक बार इसको ऑन करके देखेंगे कि ये सेट जो है वो हमारा ऑन कंप्लीट होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो गाइज हमने इसको जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो साफ कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलो अब है मेन इसको चेक करेंगे कि फ़ोन जो है वो हमारा पूरा कम्प्लीटली ऑन नहीं हो रहा था, और फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लो ऑन हो रहा था, जैसा कि आपने देखा 1.5 मिनट से ज़्यादा जो है 2 मिनट के समथिंग करीब जो है वो फ़ोन ऑन हो रहा था, काफ़ी लेट से ऑन हो रहा था मतलब ये सेट, ठीक है। तो चलो पहले तो हम चेक कर लेते हैं सेट यहाँ से ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले यहाँ से सिंपली हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो गाइज़ देखो यहाँ पर मैंने पावर की इनका प्रेस किया हुआ है, और गाइज़ यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। देखो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेट हमारा ऑन हो गया, मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ आपको दिखाता हूँ। देखो सेट ऑन हो चुका है, लाइट को ऑफ कर देता हूँ तब आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। देखो गाइस लाइट को मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया, यहाँ पे देखो पावर बाय एंड्रॉइड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, और हम देखते हैं कितनी देर में ये सेट जो है वो ऑन होता है हमारा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे गाइस फोन हमारा चालू हो चुका है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, देखते हैं, क्योंकि जो सीपीयू की प्रॉब्लम होती है। देखो गाइस यहाँ पे हमारा जो प्रोसेसिंग है वो चलना स्टार्ट हो गया है। अपने पिछले जो पीछे जब मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, तो उस कंडीशन में जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहा था सेट को ऑन होने में, और यहाँ पे देखो इनकी जो प्रोसेसिंग है वो चलने स्टार्ट भी हो गई। देखो गाइस सेट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट ऑन हो गया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेट है वो भी हमारा कंप्लीट ऑन हो गया है, जो कि पहले नहीं हो रहा था। एक तो टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा थी, स्लो फोन था, डिस्प्ले ब्लू हो जा रहा था, ये एक अलग से इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो इस पे जो है वो वीडियो को बना दिया जाएगा गाइस, ठीक है फ्रेंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेट है वो गाइस हमारा यहाँ पे चालू हो चुका है फ्रेंड। तो उम्मीद है गाइस कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें गाइस, ठीक है फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।